हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अब देखें बारान जो है वो दिलान को कैसे हैंडल करता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम दिलान बहुत बुरी कंडीशन में है और दिलान बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि मेहरान उसकी डेथ हो चुकी है और जो उसकी होप थी सब लोग उस होप को ब्रेक करना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड दिलान के लिए सब कुछ हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और दिलान जो है वो सोच भी नहीं सकती कि मेहरान इस टाइम वो ज़िंदा नहीं है। और अब देखिए फ्रेंड्स, बारान और दिलान के दरमियान चीज़ें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी, क्योंकि फ्रेंड जो बारान है वो भी दिलान को इस कंडीशन में देखकर बहुत ज़्यादा स्केयर्ड है। लेकिन अब दिलान जो है इस टाइम कुछ भी कर सकती है, वो बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रहना चाहती मेहरान के बगैर, उसकी लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं है। और फ्रेंड्स, दिलान की जो उनसे पेन है इस टाइम वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है मेहरान को लेकर। दिलान इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव हो चुकी है। और अब देखें फ्रेंड्स, बारान जो है वो दिलान को कैसे हैंडल कर पाएगा, क्योंकि दिलान जो है इस टाइम जो कुछ भी कर रही है वो अपनी सेंसेस में नहीं है। और अब देखें फ्रेंड्स, बारान दिलान को इस कंडीशन में नहीं देख सकता और बारान खुद भी इस टाइम बहुत ज़्यादा पेन में है। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है दिलान के सामने, लेकिन खुद वो भी उसी कंडीशन में है। लेकिन अब देखें फ्रेंड्स, दिलान और बारान की स्टोरी का क्या बनता है और क्या बनेगा इन दोनों का, जो चीज़ें इन दोनों के दरमियान इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बारान और दिलान जो है सारे ट्रबल से कैसे निकल पाएंगे और इन दोनों के दरमियान चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि इस टाइम सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है। और दिलान देखिए अपने साथ क्या करती है, होप करते हैं फ्रेंड्स दिलान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बारान दिलान के बगैर नहीं रह सकता। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बारान और दिलान की स्टोरी में कैसे सारी चीज़ें नॉर्मल हो पाएंगी और कैसे बारान दिलान को रोकते हैं, होप करते हैं बारान दिलान को कुछ ना होने दे और दिलान को कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बारान और दिलान जो है कैसे इस सारी सिचुएशन को भी हैंडल करेंगे, क्योंकि हमेशा दोनों ये सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।